की वजह से मुझे गंगा माँ के दर्शन हुए और मैंने मेरी कई बीमारियाँ ठीक हो गई, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त। इस वक्त जो गंगा का पानी है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं ऋषिकेश में और ऋषिकेश में हमारा प्लान है 2 दिन रुकने का, उसके बाद हम जाएंगे मसूरी और धनोल्टी। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश में आज हम जाएंगे आपको लेके राम झूला और परमार्थ निकेतन पे जो आरती होती है वो, और हम आपको इस व्लॉग में जो ये सीरीज है ऋषिकेश की, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ओशो गंगा धाम, गरुण देवता का जो मंदिर है उसके भी दर्शन कराएंगे, और नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है उसके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। और फ्रेंड्स, जो गुरुद्वारा साहब है ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम रुकेंगे और आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे जो हॉल है वो निःशुल्क है, जो रूम है फैमिली के लिए वो भी निःशुल्क है। थोड़ा लग्जरियस आप चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं 500 रुपीज़ और 1100 रुपीज़ जो एसी वाले डबल बेड वाले 4 बेड वाले रूम होते हैं उनके, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें सारी डिटेल होगी रूम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने रूम ले लिया है और अब हम लंगर छकने यहाँ पे आए हैं गुरुद्वारा साहब में। यहाँ पे 24 घंटे लंगर होता है, आप रात को 2-3 बजे आएंगे तब भी आपको यहाँ पे लंगर मिलेगा, चाय की व्यवस्था भी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तरीके से। और फ्रेंड्स, अभी हम आपको परमार्थ निकेतन लेके चलते हैं, वहाँ पे आप 30 सेकंड का जो ये हनुमान चालीसा का पाठ है ये सुनिए। अभी हम यहाँ पे 4-5 महीने पहले आए थे, तो जो गंगा का जो पानी है ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप है, इससे भी ऊपर था काफ़ी, और हम वहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे। और जो इस वक्त जो गंगा का पानी है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नीचे आप देख सकते हैं सब कुछ दिख रहा है। ये हमारे साथ आए थे पिछली बार, तो पिछली बार का इनका एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। इस बार आप आए हो यहाँ पे, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? पिछली बार जब मैं आया था तो ये हमारे सज्जन रुबल पाजी और रोमी पाजी की वजह से मुझे गंगा माँ के दर्शन हुए और मैंने यहाँ पे कम से कम नहीं तो 5 बार गंगा स्नान किया और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना आनंद लगा, मेरी कई बीमारियाँ ठीक हो गई, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यहाँ पर आज आकर मुझे मन को बहुत शांति मिल रही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भगवान शिव के पीछे मूर्ति है और यहाँ पर ये गंगा मैया है और ये पहाड़ है, इतने सुंदर पहाड़, और ऐसा लग रहा है कि दिव्य वातावरण है। अभी हमने हनुमान चालीसा सुनी है यहाँ पे पूरी, तो मन बहुत खुश है, आनंदित है, मन में बहुत आनंद है। भगवान सबको यहाँ पर लेके आए और सब यहाँ पर आके दर्शन करें, गंगा स्नान करें और एंजॉय करें, बहुत अच्छा। मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं नीचे नहीं जा सकता अभी, ये जेपी जी हैं ये अपने शूज़ उतार के चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई है, अब हम ये राम झूला क्रॉस करके लक्ष्मण झूला की साइड जाएंगे जहाँ पे लिटिल बुद्धा कैफे है, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे। वहाँ का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया होता है। ये फ्रेंड्स, आप राम झूला देखिए और नीचे पानी में बिल्कुल शेडो आ रही है, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, ऐसा नज़ारा आपने देखा नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम लास्ट टाइम भी लिटिल बुद्धा कैफे गए थे तो वहाँ की जो जिंजर लेमन टी होती है काफ़ी अच्छी होती है, पुलाव वगैरह भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे आ गए हैं, आप यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर सकते हैं मोमो छोड़ के, क्योंकि मोमो की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है यहाँ की। तो फ्रेंड्स, कल हम जाएंगे ओशो गंगा धाम, नीलकंठ महादेव मंदिर, गरुण देवता मंदिर और उसके बाद मसूरी धनोल्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।